हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के बारे में। इससे संबंधित आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख रहे थे। तो इस तरह के हम लोग आपके अभी तक 21 टेस्ट खत्म कर चुके हैं। ये आपका 22वां टेस्ट है। कौन सा? 22वां। याद रखिए, इससे पहले आप लोग कंप्यूटर सामान्य ज्ञान को चैप्टर बाई चैप्टर डिटेल से, यानी कि विस्तार से पढ़ लें तो बेहतर रहेगा और आपको अच्छे से फायदा भी मिलेगा। और हमारी तरफ से भी आपका पूरा कंप्यूटर सामान्य ज्ञान कवर किया गया है। कंप्लीट कंप्यूटर क्लासेस के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, अगर उसे आप कवर कर लेते हैं तो आपका कोई भी कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, इतना कह सकता हूँ। चलिए, तो 22वें टेस्ट का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो क्या करना चाहिए? यदि किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो क्या करना चाहिए हमें? सेव एज कमांड का प्रयोग करें। क्वेश्चन नंबर एक में क्या होगा आपका? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नई लाइन के लिए एस्केप चिन्ह है? स्लैश एन। क्वेश्चन नंबर दो में आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है तीन, प्रोग्राम में एरर्स की करेक्शन को क्या कहते हैं? प्रोग्राम में एरर्स की करेक्शन को क्या कहते हैं? डिबगिंग। डिबगिंग क्या कहते हैं? डिबगिंग। तीन में क्या होगा? बी। क्वेश्चन है चार, सिस्टम के में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस शामिल होते हैं? इंटरप्रेटिंग। चार में क्या होगा आपका? डी। क्वेश्चन है पांच, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। बी ऑप्शन सही हुआ। याद रखिए, इस तरह के जो भी आपके संक्षिप्त नाम है, इनका विस्तार नाम है, इसके बारे में ये काफ़ी पूरी क्लास ली गई है, तो वहाँ जाकर देख लें। कंप्यूटर से संबंधित आपके जितने भी शॉर्ट फॉर्म हैं, फुल फॉर्म हैं, उनके लिए आपकी पूरी सेपरेट एक क्लास है, उसे जाकर देख लें, वो भी यही आपकी वहीं मिल जाएगी, कंप्लीट कंप्यूटर क्लासेस के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर छठवें की तरफ। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क है? विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क है अर्पानेट। क्वेश्चन नंबर छठवें में आपका क्या होगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारा सात, इनमें से इनमें कौन कंप्यूटर का ऐच्छिक भाग नहीं है? हार्ड डिस्क नहीं है, प्रिंटर है, मॉडेम है, जिप ड्राइव है। साथ में क्या होगा आपका? बी। क्वेश्चन है आठ आपके सामने, संख्याओं और सांख्यिकी की गणनाएं करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्न में से कौन सा है? कौन सा होगा? स्प्रेड शीट। संख्याओं और सांख्यिकी की गणनाएं करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर आपका स्प्रेड शीट होगा। आठ में आपका डी। क्वेश्चन है नौ, किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड किसी भी रंग का हो सकता है जिसे आप चुनें। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड किसी भी रंग का हो सकता है जिसे आप चुनें।
9 में क्या होगा आपका? डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह अलाइन होता है? जस्टिफाइड। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा आपका? ए। 11। डेटा फाइल्स के बैकअप से निम्न के बचाव में सहायता मिलती है। डेटा फाइल्स के बैकअप से निम्न के बचाव में सहायता मिलती है। डेटा के लॉस होने से। 11 में आपका डी। 11 में क्या होगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन है 12। पेज प्रीव्यू मोड में आप अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। 12 में आपका ए होगा। पेज प्रीव्यू मोड में आप अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है 13। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए। 13 में आपका सी होगा। क्वेश्चन है हमारा 14। क्या है 14? को कंप्यूटर द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है। डेटा को कंप्यूटर द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है। 14 में आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 15। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेज है। ऑप्टिकल। क्वेश्चन है 16। एक ऐसी डिवाइस जो किसी कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्हों की उपस्थिति को जांचती है कहलाती है। ऑप्टिकल मार्क रीडर। 16 में आपका ए होगा। 17। DDS का अर्थ क्या है? DDS का अर्थ क्या है? डाटा डिक्शनरी सिस्टम। डाटा डिक्शनरी सिस्टम। 17 में सी होगा आपका। क्वेश्चन है 18। अनेक से अनेक को इनमें से किस प्रारूप में देखा जा सकता है? डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल। 18 में क्या होगा आपका? डी। 19। किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है? RD। 19 में क्या होगा? C। 20। एक प्रिंटर को दो अलग अलग कंप्यूटरों के साथ जोड़ सकने वाला उपकरण क्या कहलाता है? केबल। 20 में क्या होगा आपका? सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना यह बताता है उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रोग्राम। 21 में आपका डी होगा। क्वेश्चन है 22। आपको ऐसे ही किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते, आपको क्या करना चाहिए? बिना खोले इसे मिटा
देना चाहिए। 22 में क्या होगा? बी, 22 में बी होगा। क्या इस तरह से कई बार वायरस भी आते हैं? तो अगर आप ओपन करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये कौन है, तब तक आपके कंप्यूटर में वो वायरस घुस चुका होगा। ठीक है, तो इस तरह के जो भी आते हैं मेल हटा दिया करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? यूटिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका बी होगा। 24, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है एक एप्लीकेशन सीट। चौबीस में आपका ई। 24 में क्या है? ई। क्वेश्चन है 25, डिफॉल्ट रूम में कौन तारीख एक्सेल में किस फॉर्मेट में प्रविष्ट की जाती है? इस तरह से मंथ, डेट, ईयर। 25 में आपका सी होगा। 26, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है? रैम। 26 में आपका ए। 26 में क्या होगा? ए ऑप्शन। 27, माइक्रो प्रोग्राम है। माइक्रो प्रोग्राम है कोडांतरण भाषा में लिखा गया प्रोग्राम। 27 में क्या होगा? सी। क्वेश्चन है 28, टेबल के कंटेंट्स को कॉलम की चौड़ाई में ऑटोमेटिकली फिट करने के लिए वर्ड को इंस्ट्रक्ट करने हेतु बटन पर क्लिक कर ऑटो फिट कंटेंट्स को पॉइंट कीजिए। ऑटो फिट, टेबल के कंटेंट्स को कॉलम की चौड़ाई में ऑटोमेटिकली फिट करने के लिए वर्ड को इंस्ट्रक्ट करने हेतु ऑटो फिट बटन पर क्लिक कर ऑटो फिट कंटेंट्स को पॉइंट कीजिए। 28 में आपका ई ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 29, सेलेक्टेड टेक्स्ट को सभी कैपिटल लेटर्स में चेंज करने के लिए चेंज किस बटन क्लिक पर क्लिक करें? अपर केस। 29 में आपका ए। 29 में क्या होगा? ए ऑप्शन। क्वेश्चन है 30, एक्सेल में डिफॉल्ट यू सॉरी एक्सेल में डिफॉल्ट व्यू होता है नॉर्मल। 30 में क्या होगा आपका? सी। 31, आप अधिक जानकारी देकर सर्च को कर सकते हैं ताकि सर्च इंजन छोटे अधिक उपयोगी परिणाम समूहों का प्रयोग कर सकता है रिफाइंड। 31 में आपका ए होगा। बत्तीस, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं, क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड। 32 में आपका ई ऑप्शन सही है। 33, ऑनलाइन बैंकिंग स्टोरेज सिस्टम जिसमें बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर किया जा सकता है। 33 में आपका डी है। क्वेश्चन है 34, BIT का पूरा नाम क्या है? BIT का पूरा रूप क्या है? बाइनरी डिजिट।
34 में आपका बी होगा। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप उस क्लास को देख ही लें तो बेहतर रहेगा, ठीक। और वैसे भी सामान्य जानकारी के लिए इस तरह के शब्द हमें पता होने चाहिए, क्योंकि कई जगह इस तरह के शब्द लिखे मिल जाते हैं। 35 क्वेश्चन है, किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है? चैटिंग, जो अक्सर आप लोग आजकल करते हैं, तो 35 में बी होगा। 36, कॉलम डी और पंक्ति 5 में पढ़ने वाले सेल का पता क्या होगा? D5। 36 में आपका डी है। क्वेश्चन है 37, एक्सेल में दो सेलों को एक सेल में मिलाने के परिचालन को कहते हैं, क्या कहते हैं? मर्ज सेल। 37 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है 38, एक्सेल में कोई फार्मूला किस चिन्ह से प्रारंभ होना अनिवार्य है? बराबर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है 38 में। 39, स्लाइड ट्रांजिशन के समय निम्न में से कौन सी स्पीड उपलब्ध नहीं है? बहुत स्लो, 39 में आपका डी होगा। 40, कितने किलोबाइट से एक मेगाबाइट बनता है? दस सौ चौबीस किलोबाइट बराबर एक मेगाबाइट होता है। 41, निम्न में से कौन सा कंपाइलर के बारे में सत्य नहीं है? क्या पूछ रहा है? असत कथन पूछ रहा है नीचे जो दिए गए हैं। उच्च स्तरीय भाषा के इंस्ट्रक्शन का मशीन की भाषा में अनुवाद करना, ये आपका गलत है। सारे सोर्स प्रोग्राम का मशीन की भाषा के प्रोग्राम में अनुवाद करना, ये सही है। यह प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में शामिल होता है, यह अनुवाद का प्रोग्राम है, यह प्रोग्राम को रन करने के लिए उपयोगी है। 41 में आपका ए होगा, क्योंकि असत्य कथन पूछ रहा है। क्वेश्चन है हमारा 42, जब कंप्यूटर मशीन के इन इंस्ट्रक्शनों को एग्जीक्यूट करता है तो इन इंस्ट्रक्शन फेज के बाद एग्जीक्यूशन फेज को कहते हैं, एग्जीक्यूशन साइकिल। 42 में आपका सी होगा। 43, किसी पाठ्य को तिरछा करने के लिए कौन सा बटन क्लिक किया जाता है? इटैलिक। 2 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 44, क्या है 44 क्वेश्चन? निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? याहू, ए ऑप्शन सही है 44 में। 45, वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्न विकल्प का प्रयोग किया जाएगा, इंसर्ट एंड ब्रेक। 45 में आपका ई होगा। 46, उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल करने वालों को भेजी जाती है? इसे कहते हैं अटैचमेंट। 46 में आपका डी होगा। 47, इंटरनेट से संबंधित शब्द होस्ट का क्या अर्थ है? वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। 47 में क्या होगा? बी।
48 बाइनरी सिस्टम की एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है। क्या है इसका आधार? 2 1 0 होता है इसमें, इसका आधार 2 है। ठीक है, 48 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारा 49, क्या है? हेक्साडेसिमल संख्या 9A बाइनरी में किसके बराबर हो है? ए ऑप्शन सही होगा, 100 110 10। 49 में आपका ए होगा। लास्ट क्वेश्चन है 50, यह एक्सेल में एक फंक्शन कैटेगरी नहीं है, डेटा सीरीज नहीं है, लॉजिकल है, फाइनेंशियल है, टेक्स्ट है, लेकिन डेटा सीरीज नहीं है। 50 में क्या होगा आपका? बी। तो चलिए, ये था आपका 22वां टेस्ट। अगली क्लास में हम लोग आपके 23वें टेस्ट के बारे में जानेंगे।